हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, आप तो वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ वो डेली क्लीनिंग रूटीन, किस तरीके से मैं अपने घर की डेली साफ सफाई करती हूँ, वही मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर जो भी नए व्यूअर आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर की जो क्लीनिंग है रोज़ किस तरीके से करती हूँ। जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले सोफ़ा कवर उसे झटक लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि हम लोग उसमें डेली बैठते हैं और बच्चे भी आते हैं तो कुछ भी खाते हैं या फिर हम भी कभी कुछ खाते रहते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, तो वो वहाँ पर कचरा जमा हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सोफ़ा कवर झटकती हूँ। उसके बाद जो टी टेबल है उसे भी थोड़ा, जैसे ईशु को हम लोग कुछ खिलाते हैं तो वहाँ पर कटोरी रखते हैं तो गंदा हो जाता है, तो उसे पर मैं थोड़ा सा झटक लेती हूँ। और जो टेबल है जिसमें LED रखी है, तो सॉरी LCD रखी है, तो उसे भी मैं ये झटक मतलब थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। वहाँ पर भी टेबल में क्या थोड़ा सा कुछ भी ऐसे गिर जाता है तो, और फिर ये जो सोफ़ा है इसे भी मैं इसी तरीके से झटक लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है और इसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में अच्छी तरीके से, और जैसे जो सोफ़ा है उसके नीचे भी झाड़ू डाल के कचरा निकाल लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और इस तरीके से मैं सफाई करती हूँ अच्छे से, मतलब क्लीनिंग करती हूँ डेली। मेरी डेली की आदत है कि मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँ, मतलब जैसे हमेशा ही मैं ऐसे क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि कचरा मुझे पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा भी कचरा दिख जाता है तो वो फिर मुझे बहुत डांटते हैं, तो इसीलिए मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो मुझे कभी भी जैसे डीप क्लीनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं डेली अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो सामान रखा है उसे भी मैं, जैसे ऐसे कुछ सामान रखा रहता है तो उसे भी मैं उठा के थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। अब मैंने पूरे अपने घर में झाड़ू लगा ली है, और बेडरूम में, किचन में और एक एक्स्ट्रा रूम है वहाँ पर भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली। बस मैंने आपको हॉल का दिखाया है। और फिर ये जो कॉलिन है इससे मैं क्लीनिंग करती हूँ, जो यहाँ पर टेबल रखा है इसे भी अच्छे से कॉलिन से साफ कर लेती हूँ। और ये टी टेबल है इसे भी कॉलिन से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और फिर मैं सबसे लास्ट में करती हूँ मोपिंग। वैसे तो सभी लोग सबसे लास्ट में मोपिंग करती है, तो सबका ही डेली रूटीन होता है, ऐसे ही करते हैं सब। वैसे मुझे है ना हाथ से पोछा लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि हाथ से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और जैसे छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पर भी हम हाथ डाल के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे ना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, मतलब क्लीन तो हो जाता है पर छोटी छोटी जगहों में इसे क्लीन नहीं हो पाता, वो तो हाथ से अच्छा होता है। पर मैं हाथ से इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मेरी छोटी सी बेबी है, और ये है ना कि सर्दी के दिन हैं अभी, और जैसे ठंडी में, जैसे ठंडे पानी में हाथ डालने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर मुझे सर्दी खांसी हो गया फिर मुझे कुछ भी हो गया तो वो भी बेबी को हो जाएगा, या फिर जैसे मैं ठंडे पानी में हाथ डालूँगी तो शायद हो सकता है कि उसे भी सर्दी खांसी उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ठंडे पानी में हाथ नहीं डालती, इसलिए मैं मोपिंग करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, ये है मेरा डेली रूटीन। तो फ्रेंड्स, अब मेरा सब काम हो चुका है और मैंने खाना भी खा लिया है, और बहुत दिनों से ये जो चांदी की पायल है इसे साफ़ करना था, काली पड़ चुकी है तो इसे मैं भी साफ़ करूँगी। तो और इसे मैं बहुत ही आसानी तरीके से इसे साफ़ करूँगी, बस अपने घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है उससे साफ़ करूँगी, और उसके लिए बस मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं इसे साफ़ करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस चांदी की पायल को मैं कैसे साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आधे ग्लास के आसपास पानी डालूँगी,
तो आप मतलब जितना चाहें आप उतना पानी डाल सकते हो, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप इतना डालो उतना डालो। जैसे कि वो अच्छे से डीप हो जाए पायल पानी में, तो आप इतना डाल सकते हो। फिर गैस को चालू कर दूंगी। आप इसका जो मीडियम रख सकते हो, फुल रख सकते हो, आपके जैसा चाहिए वैसा रख सकते हो, वैसे तो मीडियम ही रखना। और फिर इसमें जो डालूंगी चीज़ें, देखिए मैं आपको सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ। जैसे सर्फ, जो कपड़े धोने का सर्फ होता है वो डाल सकते हो, या फिर कपड़े धोने के साबुन होती है वो डाल सकते हो। अगर आप चाहे तो शैम्पू होता है वो डाल सकते हो। आप तीन में से कुछ भी डाल सकते हो। और इसमें मैं फिर और मिलाऊंगी 2 चम्मच चाय पत्ती डालूंगी। फिर इसमें चीज़ें मिलाने के बाद मैं 10 मिनट के लिए कम से कम इसे बॉईल होने दूंगी। और फिर जो टूथब्रश होता है उसकी हेल्प से अच्छे से क्लीन करना है। अच्छे से देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, उस तरीके से मतलब इस तरीके से करना है। और इस तरीके से मैं अपने पायल को साफ कर रही हूँ। और फिर मैं आपको एक ही पायल साफ करके दिखाऊंगी। और फिर इसे देखिए छोटी छोटी डिज़ाइन है, इसे ना अच्छे से साफ करना है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है, क्योंकि हम जैसे बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। और तो इसे फिर अच्छे से क्लीन करना। मैं आपको एक ही पायल क्लीन करके बता रही हूँ, अच्छे से साफ करके बता रही हूँ। और इसी तरीके से आप घर पर अपने पायल को क्लीन कर सकते हो, और मैं इसी तरीके से अपने पायल को क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको बताना है कि मेरा डेली रूटीन है वो आपको कैसा लगा, और पायल साफ करने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए।